हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए गिरावट के समय इस भारी भरकम शेयर को भूलना मत, क्योंकि जब भी करेक्शन आती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म करेक्शन हो या लॉन्ग टर्म करेक्शन हो, वहाँ पे जो अट्रैक्टिव शेयर हो जाते हैं, जो बढ़िया बिजनेस है, जिनका बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई शेयर आपको यहाँ पे 10%, 15%, 20%, वो भी लार्ज कैप सेगमेंट का शेयर इतना सस्ता मिलने लग जाता है, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है वो। जैसे कि आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी होगी अक्टूबर 2018 में, बढ़िया बढ़िया शेयर, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर आपको 1800, 1900 रुपये की रेंज में मिलने लग गए थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर आपको 1400 से 1500 की रेंज में मिलने लग गए थे, तो वो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, इस भारी भरकम शेयर को भूलना मत, मौका है इन्वेस्टमेंट का। इस गिरावट के मौके को आप अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर इन्वेस्टमेंट की सोचते हो, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मौका है। चलिए देखते हैं इस शेयर को, कौन सा है ये शेयर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 66,000 करोड़ के, इतने बड़े लार्ज कैप ब्लू चिप शेयर की प्राइस 2770 के आसपास है, पी रेशियो 57 का है, पीजी रेशियो 1.75 का, डेट कम से कम, रिटर्न रेशियोज अल्टीमेट, और अर्निंग पर शेयर 48 रुपये का। बहुत ही बढ़िया शेयर मैं कहूँगा, सेल्स ग्रोथ भी बेहतरीन, और प्रमोटर होल्डिंग तो 75% से कम है, लेकिन अब ये 75% की जगह यहाँ पे 65% वाला कैलकुलेशन चलने लग गया बजट के बाद, तो वो कम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शेयर का नाम जानोगे तो आप चौंक जाओगे। हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एफएमसीजी सेगमेंट, फूड सेगमेंट का टॉप का शेयर है ये। अगर आप कंपेयर करो आईटीसी, एफएम, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो सबसे कम पीजी वाला शेयर आपको यही लगेगा। अगर कहेंगे तो आपको सबसे बेहतरीन शेयर भी यही लगेगा। चलिए, लगातार गिरावट चल रही है, और अभी के डेट में अगर 10 जुलाई की बात करें तो थोड़ा अपसाइड मोमेंट के साथ ये बंद हुआ शेयर, बहुत बढ़िया न्यूज़ है इसके लिए। लेकिन सपोर्ट कहाँ है, हम तो सपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। अब इस शेयर ने जो हाई बनाया था, वो हाई सितंबर 2018 में बनाया था, सितंबर 2018 में एक बहुत बढ़िया टॉप से इसने बनाया था, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आई है, जो 3200 का लेवल था इसका, करेक्शन आई है, उस करेक्शन ने रुकने का नाम नहीं लिया। इसने लो बनाया 2638 का, लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देखिए, और अभी जब नेसवाड़िया जी जेल गए थे तो फिर से ये स्टॉक अपने लो बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन उतना ऊपर नहीं जा पाया। क्लियरली 3000 के लेवल तक गया था ये, फिर ऊपर नहीं जा पाया, फिर से करेक्शन आ गई। अब कहाँ पे सपोर्ट है, अब ये तो वीकली चार्ट है, आरएसआई देखें आप, ऊपर ही है आरएसआई भी के टाइम पे भी, लेकिन वीकली चार्ट में मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्या वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें तो आपको इतना सपोर्ट लेवल जो लाइन्स है वो क्लियरली नहीं दिखती, लेकिन सब सपोर्ट आपको अगर देखने तो ये टाइम फ्रेम थोड़ा कम कीजिए, इसको 4 आवर या 1 डे पर्सपेक्टिव से लेके आए, तो आपको ये लाइन्स जो है ना वो क्लियर दिखेंगी। तो लास्ट टाइम पे जब इसका सपोर्ट मिला था, ये ऑलमोस्ट 2600 से लेके 2630 की रेंज थी, आप क्लियरली देखिए यहाँ पे 2600 से लेके 2630 की रेंज थी। तो इस बार भी, अभी अगर मैं बात करूँ जून के सपोर्ट लेवल की, तो जून में भी ये 2701 तक आया था, लेकिन नहीं, अभी मुश्किल है कि यहाँ से लगता है कि और करेक्शन बाकी है, और ये शेयर आपको थोड़ा सा और नीचे आके 2600 की रेंज में आ सकता है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ये 2600 की रेंज में आपको मिलने लग जाता है, अगर 4 आवर की मैं बात करूँ चार्ट की। लेकिन अभी का जो कल का पैटर्न था, वहाँ से काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिला था, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि मार्केट की जो संभावना है वो नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, इसीलिए देखने को मिल सकता है कि शेयर थोड़ा सा और डाउन यहाँ पे अपना बनाए और वापस इस सपोर्ट को गेन करने की कोशिश करें। ऑल दो ये सपोर्ट जहाँ से बाउंस बैक हुआ, ये भी सपोर्ट की ही रेंज है इसकी। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर इसका देखें, जो ये सपोर्ट है ना 2700 वाला, 2600 की रेंज वाला, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज है, यानी कि अक्टूबर के टाइम पे जो गिरावट आई थी वो भी यहीं से बाउंस बैक हुई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको नोटिस करना ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए। चलिए, ये तो रहा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट जो आपने देखा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ पसंद है तो आप भी यहाँ पे बॉटम्स पे इसको खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। ऑल द डाउन ट्रेंड चल रखा है, ये क्लियरली देखने को मिल रहा है चार्ट से। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।